अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं अभी एक लंगर खाने के बाहर मौजूद हूँ और जैसे जैसे यहाँ पर महंगाई में तेज़ी आती जा रही है तो लगता यूँ है कि वो वक्त शायद दूर नहीं कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में या वक्तों में आपको और हमें भी शायद इसी लंगर खाने आना पड़ेगा। आजकल एक नया तरीक़ाकार है और वो नया तरीक़ाकार ये है कि अब हम जब भी किसी को फ़ोन करते हैं तो आगे से एक मखसूस रिंगटोन सुनाई देती है जिसमें ये खातून कहती हुई सुनाई दी जा देती हैं कि जनाब कि जिस ख़ानदान की आमदनी 50,000 से कम है तो हुकूमत पाकिस्तान ने उन ख़ानदानों के लिए आटा, दाल, चावल, चीनी इन अशिया में तकरीबन 1,000 रुपये तक की जो है उनको यहाँ पर रियायत दी है। लेकिन जनाब वाह वाह क्या कहने हैं इस रियायत के कि एक जानब आप लोग रियायत देते हैं तो दूसरी जानब पेट्रोल 3 रुपये महंगा करते हैं, बिजली आप लोग फी यूनिट 4 रुपये महंगा करते हैं। तो जनाब हमने ऐसी रियायत का क्या करना है? 1,000 रुपये की रियायत दे के आप लोग यहाँ पर हमारी जेबों से 2,000-3,000 रुपये यहाँ पर निकलवा लेते हैं और साथ ही साथ ये हमारे पीछे आपको यहाँ पर लंगर खाने भी नज़र आ रहे हैं, ये लंगर खाने भी यहाँ पर जनाब ऐसे चलते रहेंगे। तो पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई और साथ साथ यहाँ पर आवाम की चीखें जो है मज़ीद निकल गई हैं। इस सारे मामले पर आवाम क्या सोचती है, आवाम क्या कहती है और आवाम की क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ जैसे कि अभी तो मैं वैसे तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना था वो सामने पेट्रोल पम्प था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार पेट्रोल पम्प नहीं, लंगर खाने के पास चलते हैं। और जाहिर बात है ये चूँकि एक फलाही रियासत की जो एक सबसे अच्छी शक्ल है लंगर खाने, तो लंगर खाने के सामने खड़ों के प्रोग्राम करते हैं। बात करते चाचा जी से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी पेट्रोल 3 रुपये महंगा हुआ है, बिजली 4 रुपये महंगी हुई है, ये 3 रुपये 4 रुपये महंगा होने से आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। हम लोग जो है ना, मैं खुद रक्षा ड्राइवर हूँ। अच्छा। तो हमें जो है ना ये जो महंगा ये 3-4 रुपये यहाँ से आगे एजेंसी से महंगा कर दिया है, हमारा जो है ना जीना उसने जो है ना दोबर हो गया है। लिहाजा हमें बार बार हम कहते हैं न्यूज़ में कहते हैं उसे तो कोई असर पड़ता ही नहीं है, उसने तो यही कहना है कि ओ अभी सस्ता है, अभी सस्ता है। सस्ता कहाँ से है, हम गरीब आवाम हम दिन को गुजारा करते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे माशाल्लाह 8-5 बेटियाँ हैं, वो सब स्कूल पढ़ रही हैं। तो उनके बावजूद उनका खर्चा भी है, तो कमाने वाला मैं एक वाहिद बंदा हूँ। तो इससे जो है ना हमारे पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ये खाली पेट्रोल ही महंगा नहीं हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये खान साहब तो अभी भी कहते हैं चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, उसके बावजूद खान साहब कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा सस्ता तरीन मुल्क है। आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? ये बात एग्री करते हैं लेकिन मुल्क सस्ता नहीं है। ये जितनी महंगाई हो गई ना, अभी हम गाड़ियों वाले हैं, हम किराया मांगते हैं 2500 रुपया, सवारी वाला कहता है 2000 ले लो। हर 15 दिन बाद 5 रुपया तेल महंगा हो जाता है, सवारी पैसा नहीं खर्चती। जब गाड़ियों का काम कराने जाते हैं जो मिस्त्री होता है हाथ लहाने का 500 रुपया ले लेता है, तो हाँ गाड़ी वाला क्या करेगा, गाड़ी वाला क्या करेगा। ये लड़का, ये हमारे साथ एक भाई मौजूद था, ये बाइक देके रुका था, इससे जरा बात कर लेते हैं। बेटा आप क्या करते हो? मैं एजुकेशन का स्टूडेंट। क्या पढ़ रहे हो? मैंने बीए किया। बीए कर लिया है। अच्छा आप मुझे बताओ, पेट्रोल महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई है, जैसे भी आप बातें यहाँ सुन रहे थे, आप क्या कहते हो? मैं ये कहता हूँ पेट्रोल तो पाकिस्तान में फिर भी सस्ता है दूसरे मुल्कों की निस्बत। हम तो फिलहाल पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, आप इधर आओ, जरा इधर आओ। हम तो बेटा फिलहाल पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप कभी पाकिस्तान से बाहर गए हो? मैं नहीं। मैं भी कभी बाहर नहीं गई। तो बेटा मेरी बात सुनो, जब हमने रहना पाकिस्तान में है, जब हमारा जीना मरना जब हमारा पाकिस्तान के साथ है, तो हमने इंडिया का क्या करना है, हमने बांग्लादेश का क्या करना है? भाई मैम मेरी बात सुने ना, हमने हर मुल्क से क्या करना है, सिर्फ अपना मुल्क ही देखे ना, जो सारा पैसा चोर लंदन ले गया तो वो चोर को तो पकड़े सबसे पहले। भेजा था उनको? उसने हमारे, इसने ये शहबाज शरीफ ने गवाही दिया कि मैं। भेजा किसने था लंदन? शहबाज शरीफ ने। ये नहीं बेटा, आप अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करें, वो इमरान खान साहब ने भेजा था लंदन। चले तो बीमारी के नाम पे तो मेरी बात सुनो, गवाही किसने दिया? शहबाज शरीफ ने दिया। शहबाज शरीफ का पकड़ो सारा माल तो लंदन ले गए हैं। किसी ने भेजा किसी ने नहीं भेजा ये बात नहीं है, महंगाई की बात है। मेरी बात सुने, वो ये जो आवाम खड़े इन्हें तो वो जो लंदन का चोर है वो तो गिरवी पे रखवा गया आवाम को। अभी मेरी बात सुनो, बंदा दुनिया में आता नहीं, पहले 1.5 लाख का कर्जा ही है। तो आपको पता आप कितने का कर्जा
हो गए। मैं खुद का सारा पैसा लंदन ले गए चोर। भाई तो ले आए ना पैसा लंदन से वापस। सारा पैसा लंदन ले गए तो चोर हम गुर्बत से मरेंगे। मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जनूबी पंजाब का हाल देख लो, कुत्ता और इंसान एक जगह पानी पी रहे हैं। पंजाब को छोड़ो, अभी तो हम लोग फिलहाल लाहौर में खड़े। पाकिस्तान की बात हो रही है, महंगाई होगी, हम इसको लेना देना, सियासत में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें यहाँ की चाहिए, जो हम मर रहे हैं यहाँ पे, हमारा सिस्टम, हमने अपना सिस्टम देखा, वो सब चोर है, सब चोर है, जो चले गए वो सब चोर है, वो सब चोर है, ये भी चोर है। मेरी बात सुनो बेटा, इधर बात सुनो, अपना इंटरव्यू हो रहा है, देखो हम यहाँ की, हाँ बस बात ये है, हम सब पिस रहे हैं, सब सब को उठा के लेके बाहर चले गए, ठीक है ना। खुद चोर का वोट दिया तो किसको चोर को दिया भैया? गंजे को तो इमरान खान तो अच्छा बंदा, कौन करे इमरान? हम लोग तो, हम लोग देखो मेरी बात सुनो, हमारी एक मिनट रुको, हमारी बात सुनो, एक मिनट, मजा आ रहा है। क्या किया इमरान खान ने? कुछ नहीं किया, शेर शेर है, शेर ने सब कुछ किया, ये देखो शेर शेर लड़ाई ना करे भाई, रुक जाए, लड़ाई ना करे, आराम से बात करे, आराम से बात करे। शेर शेर भाई, पेट्रोल पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, भाई आराम से बात कर ले। बताओ पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, क्या कहते हो? हम कुछ नहीं कहते, शेयर करेगा जो करेगा, शेयर आएगा फिर हम प्रोसेस करेगा। गरीब आवाम खुश थे, लड़ाई ना करे, लड़ाई ना करे, शेयर वापस आएगा, प्रोसेस करेगा, हर चीज सस्ती करेगा। बात करते हैं आंटी तरह, आंटी पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, आपको इस इजाफे से आपकी जिंदगी की क्या फर्क पड़ता है? बड़ा पुत्र साढ़े रंग लोग रोड़ा तो कुत्ते ने कर दिते, असि त्याने मिनट जावे फारक हो साढ़े वास्ते है, शेर है, शेर है, शेर। आपको पता है एहसास राशन प्रोग्राम चल रहा है, उसके ऊपर आपको 1000 रुपए तक की रियायत मिलेगी, बच्चे सालों कुछ भी नहीं दिता, कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं पुत्र, ना 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 ना, वे झूठ। असि गरीबा ने इन्हें आख्या मैं 12,000 रुपया देना, असि मैसेज किया सानू गरीबा नु किसी रुपया नहीं आया, मैं बेवा औरत मेनू नहीं आए, तो मैं किवें इनू समझा भी इंसान है, कोई कुछ नहीं करता गरीबा दे, साडे पर होने लगा ए खाणिया दे स्टॉल लाए, बस खाणा मिल जावे, ये लंगर खाने, ये लंगर खाने लगे, खाणा मिल जावे, कईयां नूं मिल जे, नहीं मिले ओथे गए, ओधर गए, चलो जी इमरान खान ने बड़ा काम कर दिता, ओए जदों दा आया इन्हें बेड़ा गर्क करके रख दिता आ, कख कंडा पल्ले नहीं छड्डिया इन्हें वाम दे, आ गरीब लोग सारे मजदूर इत्थे बैठे ने, सुबह दा सब गड्डियां लैणा लगियां पईयां, सारे बेचारे इस तरह ही खलोते ने, असीं कमाणा है ते खाणा है ना, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਜੀ ਖਾਣਾ ਆ। 3 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਟ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਓ ਘਬਰਾਣ ਦੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਹਤੇ ਆਵਾਮ ਕੋ ਰਿਲੀਫ ਦੇਂਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੈਟਰੋਲ 3 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ 4 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਚੀਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਘਿਓ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ ਚ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ? 260 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਘਿਓ, ਚੀਨੀ ਵੇਖ ਲਓ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ ਚ 65 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ, ਹੁਣ 100। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏਂਗੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੋਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਕਾ ਹੂੰ, ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਕਿਥੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ? ਉਧਰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਘਬਰਾ ਲਈਏ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੀਏ, ਉਹਨੇ 4 ਕੁ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਨਹੀਂ
थोड़ा जा घबरा लिया नहीं तो मेरा छोटा भरा भी मजदूर है वो अगले दिन अपने बच्चे ते अपनी बुढ़ी सारा कुछ मारन लगा ही करी सत अठ दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगती होंगी मिस्त्री मजदूरी करता है वो सारे जहर दे के मारन लगा ही तो आप लोगों ने कैसे रोका उनको उसको रोका है असि फल लिया सू पता लग गया मैं इन्हे को जहर दी गोलियां ने तो दिहाड़ी अठ दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगन डी कितने बच्चे उनके उनके तीन बच्चे हैं वो बेगम और बच्चों को जहर की गोलियां देकर मारने लगे थे मारने लगे थे आपने उनसे जब वजह पूछी उन्होंने क्या कहा वो कहने काम ही नहीं है मैं कम तुसी दियो मैं नहीं काम है की करा मैं महंगाई है नहीं है कुछ पहले मैं आधा किलो घ्यो लेना हूँ मैं पाई ले आना ये देखिए जनाब ये भी यहाँ बहुत सूरत हाल है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाईजन है इनके भाई ने अपने तीन बच्चों और बीवी को जहर देके मारने की कोशिश की और जाहिर बात है अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखनी थी तो उनको बचा लिया लेकिन अभी भी आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो लोग यहाँ पर खुदकुशियाँ कर रहे हैं भाईजन अस्सलाम वालेकुम ये देखिए ना देखिए बात सुने बात ये कि आपका ताल्लुक जिस भी जमात से हो मेरा ताल्लुक इनका ताल्लुक जिस भी जमात से हो लेकिन देखिए ये भी बात यहाँ दुरुस्त है कि लोग अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं एक तरफ जहाँ खान साहब ये कहते हैं कि जनाब अब हम लोग पेट्रोलियम मसूआत में कमी करेंगे वहाँ अब आप देखें 138 का हो गया 148 का हो गया पेट्रोल बिजली 4 रुपये महंगी हो गई चले इसको आप छोड़ें आप मुझे ये बताएं कि आटा दाल चावल चीनी के ऊपर ये लोग कहते हैं हम लोग रियायत देंगे वो कैसी रियायत है ये सबसे पहले बात तो सुनने में तो बेसिकली बलूचिस्तान से हूँ यहाँ पे जो आवाम है पंजाब की सबसे ज्यादा वोट जो मिले होंगे वो पंजाब की तरफ से मिले होंगे इमरान खान साहब उसने पंजाब के लिए जो शहर का मतलब हुकूमत था उस हुकूमत में गरीब आवाम बिल्कुल खुश थे मतलब की जो रेट थे ना जो हाई लेवल की रेट अभी पहुंची है ना जो आटा है जो चावल है जो जो भी जो यहाँ पे खाने की चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे जो मजदूर लोगों के लंगर में रहे वो मतलब अपनी मजबूरी की वजह से यहाँ पे लंगर खा रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और मैं सबसे पहले मेरी बात सुन लंगर के जो कॉन्सेप्ट है ये पहले भी था लोग अक्सर दरबारों पर जाते थे लोग लंगर वहाँ पे भी लोग जाके करते थे कि चलो जनाब कोई भूखा शख्स होता था तो लंगर वहाँ पे भी जाके करते थे लेकिन जब हुकूमत जब इस चीज़ को जब ओन करती है ना मेरे भाई कि हुकूमत की जानिब से ये लंगर खाने हैं तो ये गलत है आपको ये नहीं लगता कि आपने तो आवाम को वैसे ही मार दिया आवाम को चलो जनाब हम काम नहीं करेंगे तो जाके दो की रोटी खा लेंगे यहाँ पे जो लंगर के हिसाब है ये बिल्कुल अगर हम ये कहें कि हुकूमत की तरफ से लेकिन ज्यादातर खर्चा जो फैक्ट्रीज वाले अपोर्ट करते हैं मतलब वो खुद दे रहे होते हैं गरीब आवाम को लोगों को पैसे दे रहे होते हैं और यहाँ जो खाना मिलता है वो फैक्ट्रियों की तरफ से ही मिलते हैं और मैं बेसिकली बलूचिस्तान से हूँ इमरान खान ने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया है तो हमारे बलूचिस्तान के लिए क्या कर जो हमारे गैस हमें मतलब कि जो हमारे अपने आबाई इलाकों में गैस नहीं है वहाँ की यहाँ पे भी गैस मतलब कि बलूचिस्तान की गैस बलूचिस्तान जी जी सोई से है लेकिन यहाँ पर भी गैस नहीं है देखो हर बंदा हर जो यहाँ पे आवाम होते हैं ना वो अपने इलाके के लिए कुछ का मतलब पाना चाहता है कि हम हुकूमत से कुछ मांगे लेकिन मेरे जो मुतालिबा है ना आवाम से वो ये कि हमारे बलूचिस्तान के लिए भी हम पूरे पाकिस्तान के लिए कुछ करें हम वोट इसलिए दे रहे हैं कि ताकि कहाँ के रहने वाले कोयटा क्यों कोयटा से आप आए हैं चले आगे बढ़ते भाई ये भाई आप बताओ आपका क्या आपको क्या चाहिए पेट्रोल महंगा होने से आपकी जिंदगी में फर्क पड़ता है हम स्टूडेंट है हमें घर से पैसे नहीं मिलते पेट्रोल बहुत महंगा किया है इमरान खान ने शेर आएगा पेट्रोल सस्ता करेगा हर चीज सस्ती करेगा यहाँ पे गैस नहीं आती खाने को रोटी नहीं मिलती गरीबों को और हर चीज सस्ती होगी जब शेर आएगा रोटी नहीं मिल रही नहीं आगे चटे जरा वो सामने क्या लंगर खाना नजर नहीं आ रहा अब जो गरीब घर से जब नहीं मिलते थे तरह गए जब हमारी पारी की तब खत्म हो जाएगा ये भाई की बात भी सही है क्या कह रहे भाई क्या कह रहे भाई कह रहे जब हमारी पारी की तब लंगर खत्म हो जाएगा नहीं लंगर वैसे खत्म नहीं होता लंगर तो चलता रहता वो कोई बात नहीं नसीब नसीब की बात है ना टाइम होता है ना कुछ हाँ जी पेट्रोल महंगा होने से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है ये लंगर की बात नहीं ये तो चलता रहा पहले भी चलता रहा ऐसा कोई बाहर बंदा देता है लंगर लेकिन थोड़ा महंगाई है इसमें थोड़ा कंट्रोल कर ले और कुछ नहीं बस पेट्रोल महंगा होने से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है बहुत फर्क पड़ता है मोटरसाइकिलों में पेट्रोल गाड़ियों में हर चीज में डालना लेकिन वो बहुत मुश्किल हो रहा है बहुत ही मुश्किल हो रहा है बहुत महंगाई है समझो तेल इतना महंगा है हर चीज महंगी है लेकिन इनको कुछ चाहिए सोचना चाहिए हाँ कुछ सोचना कुछ सोच ले मेहरबानी ये सोच ले बस और कुछ नहीं इजाजत मांग रहे थे घबराने की नहीं नहीं वो चले गए तो चले जरा मैं भी थोड़ी इजाजत मांग लेती हूँ घबराने की अगर आपको इजाजत हो अगर आपको बुरा ना लगे तो थोड़ी सी घबरा के एक ब्रेक ले लेते ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ रहेगा
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट। अभी मैं पेट्रोल पंप पे खड़ी थी तो ये आंटी है हमारे साथ। ये आंटी की टांग कटी हुई है, ऐसे ही है। तो आंटी को बड़ी मुश्किल से इस रिक्शे में बिठाने की कोशिश की जा रही थी। मैंने कहा एक मिनट आंटी से पहले बात कर लूं। आंटी साहब ने कुम कि आप मुझे बताएं क्या हुआ आपको, आप बात करें। मेरा बच्चा गुम हो गया सी। अच्छा। अच्छा। फिर उन्होंने पैर बचाते मेरी लंच कटनी पै गई। कोई कमाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मुझे बताए कि जो हुकूमत है इमरान खान साहब की, ये तो कहती है हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम गरीब बिजली महंगी हो गई है, सानू कोई खाने वाली चीज नहीं करी दी, सानू की दिता बनाने खाने। आंटी आप तो गरीबा जो है कुछ नहीं। आंटी आपको, आंटी मेरी बात सुन, आखिरी बात वो कहते हैं आपके लिए गरीबों के लिए हेल्थ कार्ड देंगे, सेहत कार्ड देंगे। देख सकते हैं आप आंटी अभी इस टाइम यहाँ व्हील चेयर पे मौजूद है। छोड़ने जा रहा हूँ, बंदे वाला बोल रहे चुंगी से आगे, इस वजह से इनकी एक टांग नहीं है। अभी पेट्रोल मैंने 200 का डलवाया है, 150 पास पेट्रोल पहुंच गया, आपको पता है ना। तो हम क्या करें, बहुत मजबूर है। पेट्रोल पर ही प्रोग्राम कर रही हूं मैं कि पेट्रोल महंगा होने से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है। इतना फर्क पड़ा है कि बचता ही कुछ नहीं है, हमें कुछ बचता ही नहीं है किराए में, कोई किराया पूरा देते नहीं है, तो हमें क्या बचना है। बहुत परेशान है हम, इसका बेड़ा गर्क हो, हम तो बात दुआएं इसके लिए करते हैं। पेट्रोल महंगे से नहीं बात चलती, ये पेट्रोल भी महंगा, आटा भी महंगा। और असम्बली में खड़े होकर कहते हैं गंदम, हमने नवाज शरीफ दौर में ना असम्बली में कहते हैं नवाज शरीफ दौर में गंदम 5 साल में 100 रुपया महंगी हुई, हमने वो कह रहे हैं 700 महंगी की है। जो हैं ये किसान हैं वो चंद लोग हैं, जिम्मेदार चंद हैं, मजदूर खाने वाले ज़्यादा हैं। ये जिम्मेदारों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, मजदूर का कोई नहीं सोच रहा। पहले पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल भी महंगा, गैस नहीं आ रही, शाम को घर जाएँ तो गैस नहीं होती, गैस भरवा के लाएँ, बच्चों को खिलाएँ या गैस भरवाएँ या पेट्रोल डलवाएँ, क्या करें। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगु करते हैं। 148 रुपीज़ लीटर पेट्रोल है यहाँ पर। आगे बढ़ते गुफ्तगू करते हैं ज़रा यहाँ पर लोगों से और कोशिश करते बात करने की। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत पर, बिजली की कीमत पर। बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हुआ है, लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब सब अच्छा है। आपको लगता है बाकी सब अच्छा है? मेरे पास तो अच्छा कुछ भी नहीं है। अभी महंगाई इतनी हो गई है, जेब में पैसा नहीं होता, कारोबार है नहीं, ऊपर से पेट्रोल 150 रुपया लीटर हो गया है, तो गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा। कैसे करेगा जी? आगे बात करते हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ना, बड़ा पेट्रोल इतना महंगा हो गया है जी जी। ये मैं तो सोच भी नहीं सकती अब गाड़ी में पेट्रोल डलवाने का जी जी। और टैंकी फुल कराने का तो मैं सोच भी नहीं सकती जी। हाँ, ऐसी ये मैं नहीं सोच सकती, बाकी लोग क्या करेंगे भाई। देख लो ये हुकूमत का हाल, बिजली महंगी है, आटा महंगा जी, 10 रुपए अपने किलो इन्होंने दाल महंगी कर दी है, गरीब आदमी को जीना हराम कर दिया है। ये ऐसे लोग हैं, अल्लाह इनको इसके इनके इनसे छुटकारा दिलाए तो बेहतर है। अंकल लेकिन मैं कल एक बयान देख रही थी, पता नहीं मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, शायद शाह महमूद कुरैशी का बयान था, किसका था, उन्होंने कहा कि अगली बारी भी इमरान खान ही आएंगे। भाई ये महमूद कुरैशी वगैरह सब लौटे हैं, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी किधर, कभी खाने से मिल जाए ना।
उधर जाते हैं, ये लोग ऐसे ही हैं। अच्छा हाँ, जितने भी हैं। आपको लगता है हमारी आवाम इमरान खान साहब को एक और चांस देना चाहेगी? नहीं देगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तो नहीं देगी। आपने दिया था पहले? जी आपने पहले दिया था? पहले दिया था, अब इन देंगे हम वो। अच्छा नहीं देंगे? हाँ बिल्कुल नहीं देगी, आपकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल महंगा होने से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है? बस देखिए, पैसे खर्च हो रहे हैं, हम क्या करें, बंदा पेट्रोल डलवाना भी मजबूरी है। बिजली महंगी हुई है 4 रुपए। हाँ जी देखिए, वो भी मुश्किल हो गया, बिल भरना, तनख्वाहदार बंदा क्या करे, अब क्या करे। हाँ, साहब तो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा सस्ता तरीन मुल्क है, ये कौन रिपोर्ट दे रहा है उनको? अब महंगाई इतनी हो गया, बंदा क्या करे, ये तो हमें पता है तनख्वाहदार बंदे को क्या है। कितनी तनख्वाह आपकी? मैं इधर जॉब करता हूँ। 18,000? 18,000। 18,000 में कैसे गुजारा करते हैं? बस देख लें, बस भाई भी कमाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर्दी है, इतनी ठंड है कि बात नहीं हो रही अब इससे मेरे से। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, एक आम खातून के लिए घर चलाना कितना मुश्किल हो? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है आजकल के वक्त में, हर चीज़ में महंगाई। जहाँ पेट्रोल महंगा होता सारी दुनिया हर चीज़ महंगा कर देती है, चीनी पत्ती आटा हर चीज़। जो हम जैसी घरेलू औरतें हैं बहुत मुश्किल में आए हुए, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ इस वक्त। और क्या बता? आपने एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाई है? मैसेज भेजा कोई आपने उसमें? हाँ, मैसेज भेजा था। जवाब आया कोई? 12,000 वाला? नहीं, 12,000 वाला नहीं, जिसमें नहीं, 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 ये कहा कि जिन खानदानों की आमदनी 50,000 से नीचे। नहीं नहीं, मैंने अभी वो नहीं करवाया, मुझे अभी इतना मालूम नहीं था, तो किसी ने मुझे बताया जरूर था। हाँ। लेकिन मैंने आगे अभी नहीं किया। वो हुकूमत ही कहती है आटा दाल चावल चीनी के ऊपर 1,000 रुपए की जो है बचत मिलेगी जी। वो 1,000 की बचत अगर होती भी है पेट्रोल और बिजली के बिलों में, सारी वो बचत निकल जाती, फायदा क्या है? क्या फायदा? सही बात है, बहुत मुश्किल में। इसके पापा जो है ना वो सेल्समैन है, हैंड फी वगैरह सेल करते हैं। मैं कपड़े स्टिच करती हूँ, घर में बैठ के लोगों के कपड़े सीती हूँ, उसके बावजूद भी बस मुश्किल से अल्लाह खाना खिला के सुलाता है हम लोगों को। बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा पढ़ रहा है, दो की मैंने शादी कर दी हुई है। अच्छा जी। और कितने पैसे कमा लेती हैं आप कपड़े सिलाई में? 2 से 3 सूट सी लेती हूँ रोज के, एक दिन में। और सिलाई कितनी है? मैं 300-350 देती हैं बस मुझे इतने देते। आबादी में घर है ना हमारा, अगर तो होता सोसाइटी में तो फिर तो चलो माना कि सिलाई भी ज्यादा, लोग वहाँ जैसी आबादी है वहाँ पर लोग भी सिलाई कम देते हैं। सिलाई कम देते जी, लेकिन गुजारा मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। गुजारा मुश्किल है भाई, पेट्रोल महंगा होने से आपको क्या फर्क पड़ा है? मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने कॉलेज जाना होता है, कॉलेज से आना होता है, आगे मैंने शो पे भी जाता हूँ। मेरा ये है कि जहाँ मेरा 100 रुपए में मेरे 2 या 3 दिन गुजरता है, मेरा 1 दिन गुजरता है, इसी वजह से पेट्रोल। अब लेकिन आपने मेरे भाई घबराना नहीं है? जी बिल्कुल, शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि बस आपने घबराना नहीं है। हाँ। बस लेकिन थोड़ा सा घबरा भी ले तो कोई बुराई तो नहीं है? कितना घबराए? पता नहीं, अब ये पूछ लो। अब तो अब वही हम पूछे, अब हम कितना घबराए, अब हम बस कर दो, बहुत घबरा चुके हैं हम, बहुत घबरा चुके बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाई सलाम अलैकुम। बिजली 4 रुपए महंगी हो गई ये पिछले हफ्ते, पेट्रोल 3 रुपए महंगा हो गया जी। और खान साहब कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा सस्ता तरीन मुल्क है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको क्या लगता है? हम सपोर्टर हैं खान साहब के। आप खान साहब के सपोर्टर हैं? अच्छा, क्या कैसा फील होता है उनको सपोर्ट करके भी? अच्छा लगता है। ये जो महंगाई महंगाई है वो ये वक्त के साथ साथ है। अच्छा, सही हो जाएगा सब? सही हो जाएगा। पेट्रोल चाहे 200 रुपए लीटर भी हो जाए डलवाओगे? डलवाएंगे, चलना है दुनिया में काम करना तो डलवाएंगे। वो तो सब सही है। आप क्या काम करते हो? मैं सिविलेशन में गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। भाई जान, गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं, तनख्वाह कितनी है आपकी? मेरी 55। तो मेरे भाई आपके तो वैसे ही माशाल्लाह मजे हैं, लेकिन एक आदमी जिसकी तनख्वाह अगर यहाँ 18,000-20,000 है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है ना मेरे भाई। तो पिछलों ने भी यूं ही खाया है तो इसने खा लिया तो क्या हुआ? पता नहीं। अच्छा, इससे खा लिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन भाई खाना तो बड़ी बुरी बात है। कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने भी खाया तो ये भी खा रहा है, इसमें तो आपको लगता है ये भी खा रहे हैं? जी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। लेकिन ये तो बड़े अलग थे, ये तो बड़े ईमानदार दयानतदार थे, इनको भी खाना जरूरी था। चले वक्त के साथ साथ सब खाते हैं, ये भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? स्टूडेंट है? कहाँ पे पढ़ते हैं? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। अच्छा, क्या भाई पेट्रोल कितने का डलवाया अभी आपने? पेट्रोल 200 का। अच्छा, और कितने दिन चल जाएगा 200 का पेट्रोल? 3 से 4 दिन। तो गुजारा सही हो रहा है? हाँ हो रहा है, हो रहा है। वो पीछे भाई है क्या कह रहा था, क्या सबरे खाया
अगर इमरान खान भी थोड़ा सा खा लें तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपको लगता है बात ठीक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, क्यों खाए कोई? क्यों खाए? हमारा पैसा कोई नहीं खा सकता। नहीं खा सकता? नहीं, वो हमारा हक है। बिजली का बिल कितना आ रहा है आपके घर में आजकल? 6 से 7 हज़ार। सर्दियों में तो बिजली आपको पता 4 रुपये फिर महंगी हो गई है। जी महंगी हुई है। क्या कहते हैं इमरान खान से? यही कहेंगे कि अपनी आखिरत को देखें, जो हमारा है वो हम पे लगाएं। अगर सिर्फ पंजाब का बजट जितना है उसका 50% पंजाब के ऊपर लगाया जाए तो ये सारा कुछ सारे इश्यूज ठीक हो जाएंगे। सारे इश्यूज ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। 3 रुपये पेट्रोल, 4 रुपये बिजली महंगी हुई है, तो आपको लगता है कि सारे बुजरा, ये इमरान खान के बुजरा मुशीर बड़े कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं अगली बारी फिर इमरान खान? ये तो जब वक्त आएगा जब देखेंगे आप अगली बार आता है कि नहीं आता है। हाँ। ये कोई बात नहीं है, जो हालात हो रहे हैं। अब मैं पेट्रोल डलवा के आया हूँ, अभी थोड़ी देर में जाऊँगा, ये पेट्रोल खत्म हो जाएगा। फिर कितने का डलवाया? 200 का डलवाया। कहाँ तक, कहाँ तक जाना है? मैंने जाना है ये अपना प्रेस क्लब तक। प्रेस क्लब तक जाना है? वापसी यहाँ तक आता हूँ, फिर वहाँ तक जाऊँगा, फिर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। पेट्रोल डलवा के थक गए हम, अब ये समझ नहीं आती कब कहाँ तक जाएगा काम है भैया। क्या और आपको लगता है इमरान खान साहब जो काम कर रहे हैं आवाम के लिए ठीक कर रहे हैं, शायद अभी हमें थोड़ी मुश्किल लग रही हो, आइंदा आने वाले दिनों में ये हालात ठीक हो जाए? ये कितनी देर तक मुश्किल रहेगी? घबराना नहीं, घबराना नहीं, कब तक नहीं घबराना? कितनी देर तक मुश्किल रहेगी ये? हाँ। हमारी खाल उतार ली अभी तक मुश्किल रहेगी। अच्छा अंकल, लेकिन वो तो बड़े पुरउम्मीद है। वो पुरउम्मीद है, जब जब वो अब वो बात कहने वाली ना कि जब खलाई मखलू करती हैं जब, तो फिर वो सारे काम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, घबराना नहीं है आपने, पेट्रोल पावे 200 रुपए लीटर भी पहुंच जावे, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। क्या कहते हैं आप? कोई मसला नहीं, हमारे अभी भी पाकिस्तान सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। सुने पूरी वर्ल्ड में महंगा हो रहा है। हाँ में आप आज तक कौन कौन से मुल्कों में आप गए हुए? मैं खबरें सुनता हूँ, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन रहते तो हम पाकिस्तान में ना? जी बिल्कुल, रहते पाकिस्तान में, रहते तो हम पाकिस्तान में। हमारी तो करेंसी भी आए दिन बड़ी डी वैल्यू हो रही है। आपको लगता है कि अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, आटा दाल चावल चीनी घी महंगा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है? अच्छा तो नहीं हो रहा, तो अगर बेसिकली देखे, बात नहीं, को मानना चाहिए अच्छा नहीं हो रहा। हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि नहीं कर रही? कैसे क्यों नहीं, इकदाम कर रही है, हमारे मुल्क को बेहतर कर रही है। कैसे? अभी तो अपने हालात ऐसे एकदम से तो नहीं बेहतर होंगे ना, जो हालात 3.5-4 साल तो हो गए, 32 साल से खराब हुए हैं, वो हालात एकदम से सही नहीं, नहीं हो सकते। लेकिन आपको बेहतरी क्या लगी ये तो बताएं। बेहतरी ये कि जो हमारा एक वजीर आजम है वो कम से कम लूट नहीं रहा, उसकी जेब में नहीं जा रहा, हमें इतना यकीन है। जिंदगी पे क्या फर्क पड़ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी बेहतर गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये बाकी लोग क्यों रो रहे हैं? ये खाम खा के सो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान सब खा के सोते हैं, सब खा के सोते हैं। लेकिन मेरे भाई अगले आने वाले दिनों की कोई सेटिस्फेक्शन एक होती ना? आपके बच्चे अभी कितने साल के हैं? ये कितने साल के बताओ भाई? अंकल आपके बच्चे आप बता दें। ये महज 12 साल का, पीछे वो 10 साल की। अच्छा वो ये कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ये पंजाब में पढ़ते हैं, पंजाब स्कूल में पढ़ते हैं। अब आगे जाके इनकी अच्छी तालीम है, इनकी शादी है, यूनिवर्सिटीज है, आपको लगता है कि आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला? अच्छी बात है भाई। अच्छा इधर आओ, रुको, चले आए, जरा बात कर लेते हैं। और हर तरह के लोगों का ओपिनियन मिलता है हमें यहाँ पर, वहाँ पर जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो जो अंकल जा रहे हैं ना बाइक पर, वो ये कह रहे थे ए भी सब लोग इमरान खान के पीछे पड़ गए, कहते सारी दुनिया में महंगाई है। तो चले ठीक है, होगी सारी दुनिया में महंगाई, मैं तो आज तक कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गई, मुझे तो सिर्फ पाकिस्तान का पता है। आप बताएं क्या हालात है पाकिस्तान के? बात यह है कि बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि दुनिया की नस्बत जो है पाकिस्तान में महंगाई कम है, मगर तस्वीर का ये सिर्फ एक रुख दिखाया जाता है। तस्वीर का जो दूसरा रुख है ना, वो हकीकतन ऐसा है कि पूरी दुनिया में जो है ना, अगर महंगाई का तनासुब पाकिस्तान की नस्बत ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे उसी तनासुब से जो है ना मजदूर की मजदूरी ज़्यादा है। आम लेबर जो है ना, एक हेल्पर है या लेबर है, तो एक मैंने एक कॉलम पढ़ा था, उसमें जो है लिखा था कि बरतानिया में जो है ना, एक मजदूर अपने एक दिन की दिहाड़ी में, जन एक दिन की तनख्वाह में जो है ना 20 लीटर पेट्रोल ले सकता है। क्या मैं, अगर मैं आम मजदूर हूँ, तो क्या मैं पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक दिन की दिहाड़ी में मैं 20 लीटर पेट्रोल ले सकूँ?
इस बात को जो है ना, इस तस्वीर के दूसरे रुख को कतई नहीं दिखाया जा रहा। हमें जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि दुनिया की नस्बत पाकिस्तान में महंगाई कम है, जबकि जो है उसी तनासब से जो है ना तनख्वाहें जो है बहुत ना माकूल है, बहुत कम है, गुजारा होना बहुत मुश्किल है। पेट्रोल महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? देखिए मैं सारी दुनिया की बात नहीं करती क्योंकि मेरा सरोकार नहीं है, मेरा सरोकार पाकिस्तान से है, यहाँ रहने वाले लोगों से है, मेरा सरोकार यहाँ पर अपनी तनख्वाह से है कि मैं अपनी तनख्वाह में क्या कुछ अफोर्ड कर पा रही हूँ। क्या मैं अपनी बात करती हूँ, क्या आपको क्या मुझे ये लगता है कि मैं अपनी तनख्वाह में अपनी गाड़ी का टंकी फुल करा लूँगी? ऐसा नहीं है भाई, मैं नहीं करवा सकती। मैं अपनी गाड़ी में मैक्सिमम 1500 या 2000 का फ्यूल डलवाऊँगी और मैं बोलूँगी चल मेरा भाई अब जितना चलना चले। तो मेरा भी तो यही हाल है ना अंकल जी। बिल्कुल ऐसे ही सबके साथ ऐसे है क्योंकि मतलब हालात जो है ना वो सबको मुतासिर करते हैं, चाहे कोई सफ़ेद पोश है या मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, कोई भी है, वो सारे जो हैं मुतासिर होते हैं। यकीन करें तस्वीर का दूसरा रुख जो आपने दिखाया है ना, यकीन करें बड़ा मज़ा आ गया तस्वीर का वो दूसरा रुख आपके मुँह से सुन के, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना तो हमारे मुँह से तो बातें बड़ी बुरी लगती है कि जनाब ये क्या बात करिए, इनको क्या पता। मिसालें हमें देते हैं अमेरिका की, कैनेडा की, बरतानिया की, तो जनाब अमेरिका कैनेडा बरतानिया छोड़ के बागड़िया पे जरा आए, ये ग्रीन टाउन जाए, लिबर्टी भी चले जाए, इछरे जाए, शादबाग जाए, ताजपुरा जाए, आए तो सही, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को छोड़े इछरा डाउनिंग स्ट्रीट में जरा आए तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानियों की एक लाहौरी की जो आम जिंदगी है वो किस पाप बिक रही है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट। इंतहाई यख बस्ता शहर लाहौर का मौसम है आज, इतनी ज़्यादा आज सर्दी है, या शायद मुझे लग रही है कि आज ना मेरे से शायद बात सही से नहीं हो रही क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन सर्दी है भी बहुत ज़्यादा, लेकिन सर्दी के इस मौसम में हुकूमत हमें यहाँ पर गर्मा गर्म खबरें देती रहती है, पेट्रोल महंगा करके, बिजली महंगी करके, तो जाहिर बात है शहर आवाम की लाहौर है, हम भी उनके साथ हैं, जीना मरना चाचा जी आपके साथ है, मेरा भी जी जी जी। क्या कहते हैं, कह रहा है पेट्रोल महंगा हो गया, उससे आप गरीब आदमी को पड़ता ना अमीर का पड़ता है, ठीक है। हमें तो चाहिए गरीब आदमी गड्ढे भरे पड़े हैं गलियों में, आप आए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा क्या पानी खराब है लोगों के, समझना अब बात। सब चीज़ें जिंदगी के साथ साथ ही है ना, जिंदगी के साथ साथ। आप कल को बारिश होने शुरू हो गई तो कहेंगे जी अब बारिश होगी अब क्या करें, हम बारिश होगी तो आप क्या करें, अब आप मैं मेरे साथ चले आपको दिखाता हूँ गड्ढे कैसे भरे हुए, ना कौन सा पाई नजर आ रहा है, ना मैंने नजर आ रहा, कोई नजर आ रहा है, ये तब्दीली आई हुई है, बस हम तो ये रोते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है ये चीजें महंगी होने से? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा, के गरीब बंदा जड़ा है ना उसकी मजदूरी तो है कोनी, एक दिहाड़ी लगती 8 दिन बाद, तो जी लगती ना कोई आटा आता ना चीनी आती ना घ्यो आता है, वो तो एक ही दुआ हैगी है कि अल्लाह पाक सोना इनू लै जाए, हाँ बस जिथों आया ही उत्थे वापस ही हो जाए, बस इन्नी हो गई। चले आए आगे बढ़ते भाई, सामने घूम खड़े हो जाएंगे आप भाई, आप भी चाचा जी आप भी जरा खड़े हो, चाचा जी आप भी खड़े हो तो मजा आएगा बात करने का, ऐसे थोड़ी मजा आएगा भाई जान। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, हर चीज महंगी, देखिए एक गरीब आदमी के लिए ना जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है, आपके लिए कितनी मुश्किल है? बस मुश्किल तो है, फिर करना पड़ेगा मुल्क की खातर, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अभी तो जो है ना कोई 70 सालों का गंद जो है ना इतनी जल्दी नहीं ख़त्म हो सकता, तो इंशाल्लाह ताला खान साहब अभी इस महंगाई पे कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। ये जब सर्दी होती है नवाज शरीफ के दौर में इतनी सर्दी नहीं थी, ये जब इमरान खान आया इतनी सर्दी नहीं, नहीं, नहीं भाई हर चीज इमरान खान पे है, ठीक है नहीं नहीं भाई हर दौर में इतनी सर्दी है चाचा जी, हाँ जी तब्दीली आई है ना, कोई बात ही सर्दी तो खैर सर्दी है, क्या क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा हुआ है, बिजली महंगी, चीज महंगी है, हर चीज महंगी है, ज्यादा से ज्यादा महंगी है, गुजारा नहीं हो रहा घरों में, किराए भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं,
ठीक है, सारी दिहाड़ी हम यहाँ बैठते हैं लेकिन हमें हमारी मेहनत नहीं मिलती, नहीं मिलती। बस ये है कि तीन टाइम का खाना खा लिया और घर चले गए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आप बताए, ये कल मैं देख रही थी हुकूमत के वजीर कहते हैं अगली बारी भी इमरान खान आएंगे, आज ये फिर इमरान खान? बड़ी मुश्किल वाली बात है ये जो हालात किए हुए हैं, वो कैसे आ सकते हैं? गरीब आदमी हर बंदा परेशान है, नहीं तो अगर महंगाई की वजह से अगली दफा कैसे आ सकते हैं? एक बारी और दे देते ना, नहीं एक बारी क्या, इसको 10 बारी भी नहीं मिलना। हाँ। एक बंदा भी वोट नहीं देगा इस दफा, इसको नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? इतने परेशान हो देंगे कश्मीर में कैसे हुकूमत भी नहीं होती? कश्मीर को छोड़े, लाहौर की बात करें, तो यही है। हाँ, मेरी बात सुने, लाहौर को छोड़े, वो कश्मीर को छोड़े, लाहौर की बात अच्छा, करते अच्छा, अच्छा। लोग चाचा जी बड़े परेशान हो गए महंगाई से, मुझे तो कोई नजर मरता हुआ नजर नहीं आया अभी। चाचा जी नहीं नहीं, 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 नहीं चाचा जी, अब ऐसा तो नहीं ना चाचा जी, ऐसा तो नहीं कि खंभे पे लटक के लोग खुदकुशी करेंगे। पाकिस्तान बना है ये महंगाई हो रही है, ये हर दफा हो रही है, हर सबने महंगाई की है, महंगाई होती तो हर चीज बढ़ती ना, तो नहीं आमदनी बढ़ती, मजदूर ने मजदूरी बढ़ा ली। आपकी आमदनी कितनी है? मेरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाने ही खा रहे हैं। मैंने आपको तनख्वाह तो 18 ही है, 18,000 मेरी तनख्वाह तो 18 ही है, 36,000 घर का खर्चा है, 18,000 तनख्वाह है, और मिलता क्या हमें महीने का? कुछ भी नहीं मिलता, कोई ठेकेदार लोग मार लेते हैं कुछ। इस तरह ये इमरान खान साहब ने जब से ये आए हैं हर हुकूमत ने महंगाई की है, ये नहीं हम कहते किसी ने भी नहीं की, लेकिन जितनी ये इमरान खान ने आके गरीब आवाम का खून निचोड़ा है, पेट्रोल में निचोड़ लिया है, बिजली में निचोड़ लिया है, परसेंट डे पेट्रोल वाले मांगते हैं इनसे, परसेंट डे पेट्रोल वाले मांगते हैं जी 6% समय परसेंट दो, ये उनको 10% दे रहे हैं, चीनी इतनी महंगी कर दी है, मेडिसिन ले लें घर से वो इतनी महंगी, इंसान का जीना भी दुश्वार है, मरना भी दुश्वार है। इमरान खान साहब से अगर हमारी तो यही मिन्नत है कि बस जल्दी जल्दी ना आप ये जो सी पुट्टी टोपी लोगों को पहनाई है ना, वो पहन के खुद हमारा पाकिस्तान छोड़ के और यहाँ से चले जाएं। अब तो अभी भी कोई बयान उठा के देख ले, अभी भी वो आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, किस तरह पाकिस्तान ने कोरोना के दिनों में तरक्की की है, वो तो यही बताते हैं। देखिए जी, इमरान खान साहब जब से आए हैं तब से ये कोरोना आया, हमने तो अपनी ये 36 साल जिंदगी के अंदर आज तक कोरोना का सुना ही नहीं था। देखिए जी, ये होगा कोरोना, लेकिन जब ये इमरान खान साहब आए हैं बेसिकली ये मर्जियों के जवाई हैं, ठीक है। मैं पॉलिश का काम करता हूँ, फर्नीचर पॉलिश का मैं काम करता हूँ, ठीक है। और जब से ये इमरान खान साहब आए हैं ये तब से ही कोरोना आया, उससे पहले हमने ये कोरोना सुना ही नहीं था 36 साल उम्र में। ये मेरी बात सुनो, आज हम प्रोग्राम कर रहे थे पेट्रोल बिजली के महंगा होने पर। जी जी जी, आपको पता है सर्दियों में बिजली का बिल कितना कितना ज्यादा आ रहा है? बेटा बात तो ये है कि हमारे घर तो गैस नहीं आती तो बिल दे रहे हैं, जब चीज कोई आएगी तो फिर तो बात बनेगी। हाँ। गैस है नहीं बत्ती, आप पिछले साल इसी महीने में मैं एक किराएदार हूँ, वो रेड़ी बांध हूँ, वो रेड़ी फल वाली लगाता हूँ, हमारा तो मुश्किल से गुजारा नहीं हो रहा। हाँ। बेटा बात यह है कि पिछले साल हमारा बिल आया था इसी महीने दिसंबर में 95 यूनिट का 850 रुपए। इस दफा हमारा बिल आया है 3,000 रुपए 50 यूनिट का। हाँ जी, 85 यूनिट का। आप मुझे ये बताएं कि खाना कहाँ से खाएं, घर का किराया दें, बिजली के बिल दें, या बच्चों को खाना खिलाएं, हमें ये बताएं। ये जब से खान साहब आए हैं इन्होंने तो हमें वो ख्वाब सुहाने दिखाए। वो इतने चाचा जी खड़े हैं यहाँ पर, चाचा जी भी कह रहे थे कि कौन मर रहा है, मैंने तो किसी को मरते हुए नहीं देखा। ओ बेटा, मरने वाले तो ये मजदूर हैं। ये बात ये नहीं है, ये सब जो मजदूर हैं ना, ये जो छोटा तबका है ये मर रहा है, इनके पास डॉलर सभी तो मर रहे हैं, और कौन का नहीं मर रहा? कोई नहीं मरेगा, तो उम्र गुजर गई। अब मेरी बात, वक्त तो हमने गुजारना है, वक्त तो हमने गुजारना है चाचा जी की, तो उम्र खत्म हो चुकी है। अब तो वो ऊपर की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करके लिख के देता जी, नहीं मरना ना चाचा जी। हाँ जी, हाँ जी, इमरान खान ने लिख के देता है, नहीं पर चाचा मेरी। अच्छा, आप पूछ रही थी ना, आप क्या कह रहे थे? हाँ, कि गवर्नमेंट अगले 5 साल कैसे होगी, मैं बताता हूँ। मशीनों से इलेक्शन होगा और 90 लाख वोट इलेक्शन को छोड़े खत्म कर दिया। ये मेरी बात सुने, नहीं नहीं मेरी बात सुने, एक सेकंड रुक जाए, मशीनों की बात बात छोड़े, ये बताए पेट्रोल महंगा हो गया, आपको पता है साथी रोटी 10 रुपए की हो गई है, नान 15 रुपए का हो गया, आप कह रहे 20 का करेंगे, 20 रुपए का आधा नान मैं लाया हूँ। देखो ना, ये गरीब आदमी की हालत, 50 पैसे का नान मैं लेता था, 50 पैसे का
अब 20 रुपए का नांद है। बात सैलरी कितनी थी बेटा? बात ये है कि जो इन्होंने हमें सैलरी कुछ भी नहीं थी, सैलरी भी वहीं पे खर्चे ज्यादा हो गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, सैलरियां वहीं पे। आप रक्षा चलाते हैं ना? हां जी। ये आपका गुजारा कैसे हो रहा है? अल्लाह करवा रहा है जी, गुजारा तो अल्लाह ताला की तरफ से ही हो रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। पेट्रोल महंगा हुआ, क्या फर्क पड़ा? 150 रुपए लीटर पेट्रोल है। अब सुबह से निकला हुआ हूँ, मेरा तकरीबन 2 लीटर तेल जल गया और मैंने 250 रुपए का काम किया। बाबा जी तो हमें गुजर गए, वैसे आप भी कहते हैं कौन मर रहा है? पहले मरे, मैंने क्या पता कि कौन मर रहा है? यहाँ पे रोज जनाजे हम देखते हैं, सबको देगा, सबको जिसने यहाँ पे जनाजे हम रोज देखते हैं। ये कह रहे कौन मार? डॉलर है हमारे पास, डॉलर नहीं है इनके पास, एकड़ों के घर है हमारे पास घर नहीं है। सिर्फ रोटी खा के पेट भरते रहने, घर भी चाहिए। बाबा के पूछे कि अपना घर है? अपना घर है, अपना घर है हमारा, हम तो किराए पे रहते हैं, किराए का घर है हमारा, किराए पे डॉलर होंगे हमारे पास, कहाँ से आगे डॉलर कहाँ से दे, हम किराया कहाँ से देंगे? पीछे के घर आपका नहीं है? नहीं है, एक कब्रिस्तान में घर बन रहा है वो। बाबा जी मजमूई देखो ना, आवाम कितनी परेशान है, तुसी अगर खुशहाल हो तो सानू भी, परेशान लोगों भी तो देखो ना। अगली बारी इमरान खान को फिर आना चाहिए। तौबा तौबा, नवाज शरीफ की नहीं है या इमरान खान की नहीं है? अगली बारी वो कल वजीर कह रहे थे अगली बारी फिर इमरान खान जी। हमें बारियों से कोई लेना देना नहीं है, हमें डिलीवर करके दिखाएं वरना घर जाएं। बात सीधी सी, अगली बारी फिर इमरान खान? नहीं नहीं, बिल्कुल इमरान खान नहीं, ना इमरान खान, ना नून लीग, ना पीटीआई, ना कोई। हमें इंसान चाहिए इंसाफ करने वाला, ना कि अपनी जेब भरने वाला। एक गए हुए 3 साल हो गए, इलाज करवाने गए थे, वो अभी तक लंगड़े हो गए, वहां से वापस ही नहीं आ सके। इमरान खान साहब आए हैं, सारी कौम को लंगड़ा कर दिया उन्होंने, जबकि उनको कुछ चाहिए लंगड़े हो जाएं। वो हमारा खाना खराब कर दिया, गरीब वो हम हंसने पे मजबूर हो भी खाने से मजबूर नहीं है। नहीं देखे जी, ये क्या भाई, इलाज करवाने गया था ठीक है, जब उसकी हुकूमत आएगी वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उसके सारे वाइट सेल पूरे हो जाएंगे ठीक है। और जब इमरान खान साहब चेयर से उतर जाएंगे, नवाज शरीफ ने कहना मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था, अब तो इमरान खान के सांसे खोल दो, सारे बुरे हैं, हम लोग सही हैं। बहुत सच हो गया जनाब, ये जनाब यहाँ पर सूरत हाल है, ये यहाँ पर सूरत हाल है जनाब, पेट्रोल महंगा, बस भाई बस मेहनत करके खाते हैं हम सब लोग सही हैं। हाँ पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, लेकिन खान साहब सब अच्छा नहीं है। आप देखा करें ना टीवी, आप हमारे प्रोग्राम देखा करें, चले मेरा ना देखे प्रोग्राम, किसी और का देख ले, जो आपको पसंद हो उसको जरा बुलाए, अपने वजीरों बशीरों से हटके जरा कान लगाए, आपको पता चलेगा जनाब क्या हो रहा है पाकिस्तान में, शहर लाहौर में, आपके सूबे पंजाब में। वजीरों बशीरों की मतलब बात सुनता है, लेकिन जनाब किसी थर्ड पर्सन को बुलाएं, वो थर्ड पर्सन आपको यहाँ पर आकर ना मुल्क का ज़रा एक अहवाल दिखाएगा। और जो आपने हमें जो ख्वाब दिखाए ना कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा सस्ता तरीन मुल्क है, तो जनाब इस ख्वाब का भी पर्दा यहाँ पर चाक हो जाएगा। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम के दौरान कहते हैं।